पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। अर्चना जी, आपको पता है म्यूजिक का, संगीत का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। मुझे पता आप भी म्यूजिक की बड़ी शौकीन है। अभी हाल ही में मैंने आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा जो आमिर खान साहब के घर में कोई लड़का गा रहा था, बड़ा कमाल गा रहा था। देखो उस लड़के की गायकी तो कमाल की है ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूजिक का बड़ा कमाल है, चाहे यारों की महफिल हो, घर का फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, म्यूजिक के बिना सब अधूरा है। अब देखो हमारे यहाँ शादी होती है, वहां पे तो गाना बजाना होता ही है। दुल्हन जब विदाई के वक्त घर आती है तो दूल्हे की माँ वहां पे रोक के भी अपना गाना गाती, फोक सॉन्ग चलते ना। माँ उस समय क्यों करती है आपको पता है? उसको पता है कि ये आखिरी दिन है जब बेटा मेरा घर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो आएगा सीधा दुल्हन के कमरे में जाएगा, फिर तो ये मेरे हाथ आएगा नहीं। पहले की फिल्मों में तो गाने इतने जरूरी होते थे, एक एक गाने के दो दो पार्ट आते थे, दो दो वर्जन। कई बार आप देखना पूरी महफिल में ना हीरोइन को बेवफा बोल के हीरो गाना गाता था, पूरी ऑडियंस को पता चल रहा था कि इनका कोई चक्कर रहा है, लेकिन महफिल में किसी को नहीं पता चलता था, सारी जनता को पता चल रहा है इनका रहा है ना? बाकी सारे लोग वो नोटिस ही नहीं कर रहे, वो एंजॉय कर रहे। सिर्फ एक हीरोइन होती थी जिसको टेंशन हो रही थी कि ये मेरे को दे दे के गा रहा है, वो अपना दुपट्टा घुमा घुमा के ना कोने में छेद कर देती थी, वो पकड़ी ना जाऊं मैं कहीं। और तो लोगों को छोड़, पास खड़ा पति उसको भी शक नहीं होता था, वो भी एंजॉय कर रहा होता था, वाह क्या गाना है। गाने के बाद हीरो को बुलाते थे, आइए जनाब क्या गाना गाया है आपने, आइए कभी हमारे गरीब खाने पे, सुधा बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुन के ना हीरो और जल रहा होता था। बात बुलाया आदमी ने, वो उसकी बीवी की तरफ देख के बात कर रहा है, आप किस्मत वाले हैं जनाब जिसको ऐसी बीवी मिली है, वरना कईयों का तो प्यार अधूरा रह जाता है। ये बोल के निकल जाए। फिल्मों में म्यूजिक का बड़ा महत्व, आप देखो फिल्मों में अगर बच्चा रोता है ना तो माँ गोद में उठा के गाना गाना शुरू कर देती, लेकिन रियल लाइफ में नजारा कुछ और होता है। अगर बच्चा रो रहा है ना तो बाप शेव कर रहा है, अरे बच्चा रो रहा है चुप कराओ, तो वो किचन में बैठी, बच्चा मैंने अकेले ने पैदा किया है, क्या 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 करूं, इधर किचन में खाना बनाऊं उधर बच्चे को संभालूं, मैं तो फंस गई इस घर में आके। मैं गुजरा वाली मौसी की मानी होती तो अमरीका में चिंटू से शादी करके बसी होती वहां पे। मैं आदमी बोल रहा, जितनी देर मुझे सुनाया इतनी देर बच्चे को सुनाती सो जाता वो। लेकिन जोक्स अबाउट म्यूजिक जो है हमारी जिंदगी में बड़ा जरूरी है। आज म्यूजिक की बात चली रही है तो आज महफिल लगा ही लेते हैं अर्चना जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर आनंद मिलिंद, गीतकार समीर अंजान साहब और सिंगर हम सबके चहेते उदित नारायण साहब। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। उदित सर, समीर साहब, आनंद मिलिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा सौभाग्य कि आनंद मिलिंद साहब हमारे शो पे दूसरी बार आ रहे हैं, समीर साहब तीसरी बार आ रहे हैं, उदित सर का तो पास बना हुआ है। ये हमारा सौभाग्य, हमसे बड़ा प्यार करते हैं, कभी कभी तो हम भी नहीं आए होते ही आ जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आज, अप्रैल लगने वाली है। पर उदित सर आप इतने फिट हैं, शुरू से हमने आपको कभी एक इंच ऊपर नीचे नहीं होते देखा, तो आप खुद के सूट पहनते हैं? कभी कभी आदित्य के भी पहन लेते हैं मौका मिले तो? नहीं, आदित्य का सूट मुझे नहीं होता है। अच्छा जी, वो थोड़ा तगड़ा है, उसका अच्छा है। जी जी हाँ, लेकिन काफी थोड़ा बहुत दौड़ लेता हूँ। अच्छा जी, किसके पीछे जी? अरे क्या बात करिए अलका जी, थोड़ी उदित सर घर में भी आप सूट में रहते हैं या कोई और आपका अटायर होता है? अरे घर में आप देखोगे तो आप भाग जाओगे। टॉवल में रहता हूँ हमेशा घर में। अच्छा, तो वैसे संगीत का आनंद लेते तौलिया पहनते तो आस पड़ोस वाले आनंद ले। अपील आज थोड़ा उदास उदास इसीलिए है कि अलका नहीं है, नहीं तो बहुत खुश नजर आता है, इसीलिए उदास उदास है थोड़ा। अलका से जितना मोहब्बत ये करते हैं। आइए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। ये जो आप खूबसूरत कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आनंद मिलिंद साहब, समीर साहब और उदित साहब, इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना आया है, दिल में बड़ी हलचल है।
और आनंद मिलिंद साहब जब हमारे शो पे पहली बार आए थे, हमें पता चला कि इनको ऐसा चस्का लगा कि शो पे दोबारा आने के लिए खास तौर पे इन्होंने ये गाना बनाया। बिल्कुल सही सर, ये दिल में बड़ी हलचल है सॉन्ग, ये आइडिया किसका था? नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि ऑक्टेव म्यूजिक जी, नीरज मिश्रा जी, अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ गाने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जी, तो हम म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए और सिंगर्स के लिए राइटर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो गया जी। और क्या है कपिल जी, मुझे सैकड़ों नहीं हजारों ईमेल्स आते हैं कि प्लीज कुछ गाने 90s के टाइप के कीजिए आप लोग, एक्चुअली सबसे बेस्ट म्यूजिक। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह का गाना अगर हम लोग कोशिश करें, तो दैट इज हाउ दिस सॉन्ग स्टार्टेड। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है समीर साहब कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और मैंस कम होता है, आपका बढ़ता ही जा रहा है, मुझे समझ नहीं आया इसके पीछे राज क्या है समीर साहब? वो राज बाद में बताऊंगा कपिल, मैं पहले एक बड़ी कमाल की बात तुझे बताता हूँ। मैं अभी आया जो बांदर देख रहा था, दो चीजें मुझे बहुत खटक रही थी जी। एक तो अर्चना जी को कोई थ्रेटनिंग कॉल वाला आया कि मुझे लगा कोई बॉडीगार्ड बगल में बैठा हुआ है, सिद्धू जी ने तो नहीं भेजा है ना। अच्छा। मैंने सोचा ये मैं पूछ लूं और खुली भरी महफिल में पूछूं तो राज खुल जाएगा एक बार। अच्छा बताइए फिर। अभी तुम सवाल कुछ पूछ रहे थे मेरे बारे में, वो क्या था? मैं हाँ रोमांस वाली बात कर रहा था। नहीं मैंने, मुझे लगा कि जब आपने दिल में बड़ी हलचल है तो भाभी जी को भी सुनाया होगा आपने। हाँ तो उन्होंने रोमांस में लिया कि बीपी की मशीन भाग के ले आई वो। समीर साहब को क्या हो गया मतलब? वो उनका बीपी तो 24/7 हाई रहता है, जितने मेरे ख्याल से मैक्सिमम रोमांटिक गाने मैंने लिखे हूँ जी, और हमेशा संदेह के दायरे में मैं रहता हूँ क्योंकि कोई भी अच्छा गाना लिख के आऊँगा तो तारीफ नहीं होगी, ये होगा कि किसके लिए लिखा है आपके लिए लिखा है, मतलब सबके साथ यही हाल है ना। समीर जी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा जी, ये एक्चुअली बहुत ही हाईली रोमांटिक शायर है वाकई। जब कलम से पेपर पे उतारते तब लगता है कि अच्छा समीर साहब ने ये लिखा, अगर आप वैसे देखें तो लगता है अनूप जलोटा के सारे भजन यही लिखते होंगे। बड़े प्यारे से धार्मिक से लगते हैं। अरे मैं तो अभी वाइफ बैठी हुई है सामने। नमस्ते जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? तो मैंने कहा एक बार, पिछली बार भी शायद तुमको मैंने बताया था कि जब साजन का गाना लिखा था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, जब मैंने कहा कि मैंने तुमको देख के लिखा, तो इसने कहा कि हाँ आज पहली बार लगा कि झूठ कितनी सफाई से आप बोलते हैं। सर ये गाना अलका जी ने भी साथ में गाया है, तो आपने फिर क्यों उनको फोन नहीं किया आने के लिए साथ में? मुझे पता नहीं चला कि अलका जी आज नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि वो लंदन में है। नहीं तो ब्रेसलेट नहीं पहन के आते इतने सारे। नहीं ये तो बड़ा खूबसूरत है सर ये। नहीं कल एक सैलून में मैं गया। अच्छा जी। तो कोई कलर कर रहा था। अच्छा जी। हाँ फीमेल थी। अच्छा जी। आप यकीन नहीं करोगे, एक घंटे तक बोलती रही क्या बकवास पहन के आ गया, पहले तो ऐसा नहीं पहनते थे तुम। जिससे आप कटिंग कराते इतनी बातें कर लेते हैं उनसे। आप एक्चुअली ये दीपा जी हैज गिफ्टेड मी। अच्छा। मेरा जन्मदिन 1 दिसंबर का है। अरे वाह। तो बोली तुम पहन लो, तो मैं बोला यार बड़ा ये लहक चहक है, तो बोला पहन के तो देखो, तो तब से ये पहना हूँ, अभी अभी 1 साल भी नहीं हुए इस बात। अभी अलका नहीं आएगी आज। हाँ हो सकता है। हाँ नहीं तो अगर उसको बुलाना है तो निकाल देना, निकाल इसको दो, पत्थर ऐसे है जिसको रुकावट पैदा कर रहा है। आनंद सर मैंने देखा है जब आप गाना तो साथ में बनाते हैं आप और मिलिंद साहब, लेकिन जो गिटार पे खड़ा होता ना वो थोड़ा ध्यान ज्यादा खींचता है, खासतौर पे लेडीज जो होती ना उनको पता लगता वाओ जो गिटार, जो कीबोर्ड खड़ा होता ना नीचे वाले जो बैठे होते हैं उनको लगता है शायद कोई हिसाब किताब कर रहा है, उनको नहीं पता कि काफी मतलब उस्ताद लोग बैठते हैं कीबोर्ड पे। आपने कभी जिद नहीं की कि मैं भी गिटार पकड़ूंगा एक दिन? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी तो पिछले हफ्ते ही शुरू कर दिया। अच्छा जी। इन्हीं को लेके गया एक गिटार शॉप में। अच्छा जी। और एक बढ़िया गिटार खरीदा हूँ और नोटेशन बुक भी लिया हूँ। अच्छा जी। जो आप कह रहे हैं वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। कपिल जी। जी सर। मैं तो एज अ टीनेजर पहला इंस्ट्रूमेंट गिटार सीखा। अच्छा जी। और एक डैन मॉर्गन ने एक बुक था गिटार का, तो उसमें लिखा हुआ था कीप योर गिटार वेरी केयरफुली, फ्रेजाइल आइटम है, ट्रीट द गिटार लाइक अ गर्लफ्रेंड। तो मैं आई हैव ट्रीटेड माय गिटार एज अ गर्लफ्रेंड। आनंद जी के लिए मैं बोलूंगा कि टू लेट टू लर्न, सीख तो लेंगे, बहुत ही टैलेंटेड है, बट
यंग में सीखते तो बात और कुछ। आनंद नाम उनका, आनंद लिया काफी लगता है आपने, मुझे लगता है गिटार बजा के। कपिल जी वैसे भी गाना ना सुनते हैं लोग, तो आप लोग सब यही बोलते हैं, सुन के बड़ा आनंद आया। मिलिंद तो आता ही नहीं, मिलिंद आता ही नहीं देखो। नहीं, और ये जो बोल रहे हैं ना कि इट्स टू लेट टू लर्न, एज क्या होता है, एज इज ओनली इन योर माइंड। आदमी दिल से कमीना होना चाहिए उसमें। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।